Going to discuss RMS 2016 previous year paper. So here's the first question. First question is for Anshuman. Aman, आप भी बच्चा क्लास छोड़ देते हो at last, so please मत किया करो ऐसा, else I have to mark absent. जो बच्चे last से class attend नहीं करेंगे, मैं उनकी absent mark करूंगी आज से. चलिए Anshuman, read this question. Which animal never stop growling? देखो बच्चा, this is not stop, this is stops. Stops growling नहीं, growing. Which animal never stops growing? Options are? Option A, Griffin. Giraffe नहीं होता? Giraffe. Option B, snake. Option C, crocodile. Break the words, crocodile. Crocodile. Option D, blue whale. What is the right answer? Ma'am, option D, blue whale. Blue whale, okay. Yes, Samandi. What is the right option? Option B, snake. Snake is the right answer, Anshuman. ये देखिए, snakes होते हैं वो continue grow करते रहते हैं until they die. ठीक है? So snakes is the right option for this question. One more thing, साक्षी बच्चा आप बहुत दिनों के बाद class join कर रहे हो और जो भी बच्चे भी late join हुए हैं. टुमारो इज टेस्ट. अब टेस्ट में क्या आएगा, 11 दिसंबर की रिकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा. चलिए साक्षी, यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 52. केल्विन इज अ यूनिट रिलेटेड टू. ऑप्शंस स्पीड, डेंसिटी. ऑप्शन नंबर बी, डेंसिटी. डेंसिटी, ह्यूमिडिटी. डेंसिटी. ऑप्शन सी. सही से यू आर नॉट ऑडिबल साक्षी, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. यास्मीन, यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. Yes, ma'am. Kelvin is a unit related to A, option speed, B, option density, C, option temperature, D, option humidity. Ma'am, answer is C, temperature. Temperature, okay. ठीक है, देखो temperature measure करने के लिए जैसे हमें पता है Fahrenheit तो है ही. ठीक है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर यूजुअली Fahrenheit में बताते हैं. Celsius भी हमें पता है temperature measure करने के लिए होता है. But अब जो Kelvin है, that is the international system of units. ओके, सो केल्विन किसके लिए होता है, दिस इज फॉर टेम्परेचर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गार्गी से रीड करवाते हैं. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 53. व्हाट इज ऑरिगामी? ए ऑप्शन आर्ट ऑफ ओरिगामी. ओरिगामी, ओरिगामी. ए ऑप्शन आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग. बी ऑप्शन नेशनल एंथम. सी ऑप्शन एन इंसेक्ट. एंड डी ऑप्शन प्लांट. हाँ जी, what is the right answer गार्गी for this question? मैम, A option art of paper folding. Yes, ये जो होता है paper folding. ये देखिए, इस तरीके से कुछ paper fold किए जाते हैं. This is Japanese art of paper folding. ये तो different different figures बनाते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? Origami बोलते हैं. चलिए next question is for Ankur, then Arpita से बात करते हैं. Ankur, read the next question. In which city did the first metro railway system begin? Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. My right answer is Kolkata. Kolkata. So, अब देखिए ये आपके क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का. यस अर्पिता. यस मैम, कोलकाता. कोलकाता, ठीक है. तो देखिए कब हुआ था ये स्टार्ट. 24th of October 1984 को कोलकाता स्टार्ट हुई थी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन. ठीक है, मुंबई यहाँ पे आपके इससे मुंबई बोरीबंडा थाने से थाने इन महाराष्ट्र तक. ठीक है, सो ये आपकी स्टार्ट हुई थी. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कोलकाता. एक और क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन. अब जब हमसे उन्होंने मेट्रो के बारे में पूछा है तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए. सो यहाँ पे एक और सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो गया. इस क्वेश्चन को भी आप देख लो. जब मैं टेस्ट लूंगी हो सकता है मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ. मैं RMS 2016 का भी आपका टेस्ट लूंगी. तो कीप दिस थिंग इन माइंड. जरूरी नहीं कि जो आपके क्वेश्चन है बस उन्हीं का मैं टेस्ट लूंगी. उनसे रिलेटेड अगर आंसर्स मैंने आपके स्लाइड्स में ऐड किए हैं तो डेफिनेटली आई कैन आस्क यू. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रेन जो है 1853 में स्टार्ट हुई थी मुंबई के बोरीबंडा थाने में महाराष्ट्र. सो मुंबई में थाने कर दो आप सिंपल. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्पिता. क्वेश्चन नंबर 55. हु इज नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी? ऑप्शन ए अरिस्टोटल. इतने महान विचारक का नाम आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अरिस्टोटल, अरस्तु. ठीक है,
बी हनुमान, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी कैंट, मैम ऑप्शन बी हनुमान। ओके चलिए, तो लास्ट राइट ऑप्शन सैमुअल हनुमान जो थे इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यस मैम, विच स्टेट डज तंजौर पेंटिंग बिलोंग टू, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। मैम आंध्र प्रदेश। दिस इज नॉट द राइट आंसर चिराग। यस गार्गी, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? गार्गी तो गई कहीं पे। यस यास्मी, अंशुमान मैम तमिलनाडु भी ऑप्शन। यस तमिलनाडु इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ये कुछ इस तरह से पेंटिंग होती है। अब इसमें देखो क्या यूज कर रहे हैं ये लोग, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलो कोई रीड कर दो, चलो इस स्लाइड को रीड कर देते हैं। अमनदीप आप रीड करो। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तंजौर पेंटिंग इंक्लूड रिच विविड कलर्स, गोल्ड फॉइल्स एंड एंड एम्बेडेड एम्बेडेड इनलेड एंड ग्लिटरिंग गोल्ड। ठीक है, ये देखो ये इस तरह से देखो, इसमें ग्लास, स्टोन, ग्लिटर, गोल्ड ये सब किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए जाते हैं। तो दिस इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ द तंजौर पेंटिंग ऑफ तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यस मैम, किमोनो, क्वेश्चन नंबर 57, किमोनो इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। मैम ऑप्शन सी जापान। जापान, ओके ठीक है। तो किमोनो इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान। ये देखो कुछ इस तरह से होती है ये ड्रेस। और देखो इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी कोई स्पेशल ड्रेस या जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो नहीं है, बट चाइना की है। अब यहाँ पे हो सकता है मैं आपसे क्वेश्चन में चाइना पूछ लूँ, विच इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ चाइना, सो इसे भी लर्न कर लीजिएगा। डेफिनेटली किमोनो कहाँ की है? जापान की है। बट यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा है, चाइना की क्या है? हंफू है। सो नो डाउन करते जाइए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं भी आपसे पूछ लूँ, या फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे आपके जो सैनिक स्कूल का क्वेश्चन पेपर है वहां पे पूछा जाए। चलिए साक्षी अब देखिए आपका ऑडियो सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं। यस मैम, क्वेश्चन नंबर 58, वेयर इज एसटी पीटर चर्च लोकेटेड? ऑप्शन एसटी नहीं बच्चा, सेंट पीटर चर्च। सेंट पीटर चर्च लोकेटेड, ऑप्शन ए मेक्सिको, बी वॉशिंगटन डीसी, सी वेटिकन, डी लंदन। मैम वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, ओके। एनीवन एल्स जिनको आंसर पता है फॉर दिस क्वेश्चन? यस यस्मी, यस अंकुर। मैम सी ऑप्शन वेटिकन। यस सी ऑप्शन वेटिकन सिटी। ये देखो सिटी सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो आपको देखिए सेंट पीटर चर्च से दिखता है और ये है कहाँ पे? दिस इज इन वेटिकन सिटी। चलिए अंकुर आप रीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट ग्लिम्सिंग ऑफ द वर्ल्ड? ग्लिम्स 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 डॉक्टर एस राधा कृष्णा, जवाहरलाल नेहरू, कुलदीप नारायण नायर, ब्रिटन रूसेल। ब्रिटन रूसेल, हाँ जी। व्हाट इज द राइट आंसर? मैम राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। यस जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। ये देखिए इनकी बुक है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चिराग। इन व्हिच ईयर डिड इंडिया पोस्टल सर्विस स्टार्ट इन इंडिया? 1774, 1854, 1222, 1786। Yes, 1774, 1854, 1222 और 1786. So, right answer क्या है चिराग इसका? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या बात है चिराग, सारे क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हो। यस अर्पिता मैम, ये स्क्रीन इज ब्लैक। नो मैम। रीजॉइन द क्लास, रीजॉइन द क्लास अर्पिता। यस गार्गी मैम, करेक्ट आंसर बी 1854। यस, इस लड़की को सारे आंसर सही पता होता है। ठीक है, सो देखो ये जो हमारा जो इंडियन पोस्टल सर्विस कब स्टार्ट हुई है, इंडियन पोस्टल सर्विस 1854 में स्टार्ट हुई है एंड फर्स्ट जीपीओ कलकत्ता जीपीओ जो है वो 1774 में स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमनदीप। अमनदीप यू रीड दिस क्वेश्चन। यस मैम, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो।
देखो मैंने चेंज कर दी स्लाइड, नहीं आ रही। I have changed. यास्मीन आपको शो रही है नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. Then आप रीड कर दीजिए। Okay, ma'am. Who was the first president of the Indian National Congress? A option Annie Besant, B option Bipin Chandra Pal, C option W.C. Subhas Chandra Bose. What is the right answer for this question? Answer is... क्या बात है यास्मीन, आज आपका भी नेटवर्क सही वर्क नहीं कर रहा है। यस अर्पिता मैम, मैम डी ऑप्शन सुभाष। नो दिस इज नॉट द राइट आंसर। यस गार्गी मैम, डब्ल्यू सी बनर्जी। यस व्योमेश चंद्र बनर्जी इज द राइट आंसर। ये देखिए ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारी जो आईएनसी थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, फुल फॉर्म है इनका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अमन। अमन देखो स्लाइड इज विजिबल और नॉट। यस मैम, हाउ मेनी रॉक्स वर यूज्ड फॉर कार्विंग द फीनिक्स इन इजिप्ट? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। नंबर आंसर इज 5। ठीक है, फाइव आंसर है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ मैं पर्टिकुलरली सेटिस्फाइड नहीं करती हूँ। जब इसका आंसर सर्च करने के जाते हैं तो इसके आगे अगर मिलियन होता ना कुछ तो फिर हम लोग शायद इसको सही कंसीडर कर सकते हैं। तो एनी हाउ राइट आंसर इज 5, बट स्टिल ये होता है स्पिनेक्स। ठीक है, तो कॉल ये पूछ रहे हैं, ये देखिए स्पिनेक्स कुछ ऐसे दिखते हैं। तो दे आर आस्किंग कि इस तरह स्पिनेक्स को बनाने में कितने रॉक्स लगे हैं, कितने रॉक्स को कार्व किया गया है। सो मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली ज्यादा पसंद नहीं है और ना ये क्वेश्चन कभी रिपीट होता है। ठीक है, और ना ही मैं आरएमएस 2016 का टेस्ट दूंगी तो मैं भी नहीं दूंगी ये क्वेश्चन। एनी हाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पिता आप रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, हु वन द फर्स्ट पद्मश्री इन एथलेटिक्स? ऑप्शन ए पीटी ऊषा, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी बंधु सिंह, ऑप्शन डी साक्षी। मैम ऑप्शन सी बंधु सिंह, ऑप्शन सी बंधु सिंह। Yes, Bandhu Singh is the right answer for this question. So, first Padma Shri in athletes, kisko mila hai? Bandhu Singh ji ko mila hai. Chalye ji, next question is for Chirag. Aap dekhiye, then Ankur se and then Sakshi se baat karte hain. When, where, the... Where, nahi bachche, aap hamesha isko wrong pronounce karte. This is where, when, where, where nahi hai. Agar iske beech mein H hota, to isko where kehte hain. Where, when, where, the first come the game hai. Dekho, common, wealth. बच्चा ब्रेक द वर्ड, कॉमन क्या होता है? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड। गेम नहीं है, गेम्स है, गेम्स है। चिराग एक लाइन में इतनी मिस्टेक्स, 7 वर्ड में आपने 3 मिस्टेक्स करी हैं। 1920 1819 1930 1934। हाँ जी, कब हुआ था? 1930 1930। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है चिराग, म्यूट योर सेल्फ। चलिए देखिए, तो फर्स्ट आपके अब कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं आपके टेस्ट में इन स्लाइड में से भी क्वेश्चन दे दूं, तो ढंग से रीडिंग कर लीजिए इसकी। 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, देन क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में कब हुए हैं, सो इंडिया में कब हुए थे? 2010 में हुए थे। 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुए थे इन 2010 इन न्यू दिल्ली। देन एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका 2018 से रिलेटेड, वो कब हुए थे? 21st गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, 21 नंबर का जो था वो कब हुआ था? 18 में हुआ था। बीच के मैंने नहीं मेंशन करे, बिकॉज इतना प्रीवियस वो आपसे नहीं पूछते। देखो या तो फर्स्ट पूछ लेंगे, लेकिन आज क्योंकि फर्स्ट कब हुए थे, इंडिया में कब हुए थे, अभी लास्ट कब हुए थे, तो 18 में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, एंड अपकमिंग कब होंगे, सो वो इंग्लैंड में होने वाला है। सो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन द गूगल क्लासरूम ऑल्सो, बट इस स्लाइड को आप लोगों ने भी अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। कॉमनवेल्थ से यही क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ गार्गी देंगे बच्चे, आपको भी ऑप्शन देंगे। वेट अ मिनट, चलिए अंकुश आप रीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 5 जून, 7th अप्रैल, 7th जून, 11th जुलाई। मैम राइट आंसर इज 7th अप्रैल। यस 7th अप्रैल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए साक्षी आप देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the tallest man-made structure of the world. A. Taipei 101, B. Burj Khalifa, C. CN Tower, D. Eiffel Tower.
अब ये हमने पहले भी करा हुआ है क्लास में, ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिया हुआ है। कोई और है जो आंसर करना चाहेगा? यस अर्पिता, यास्मीन, अमन, अब ये देखो ये कैसे क्वेश्चन उन्होंने ट्विस्ट किया है आपका, सीधा नहीं पूछा विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, क्वेश्चन वही है बट उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया, पूछ लिया टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। अब मैन मेड स्ट्रक्चर डेफिनेटली बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, ये चीज होती है मैन मेड जो इंसानों ने बनाई है, तो टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा आपका? दैट इज बुर्ज खलीफा, जो कि स्क्राइस्क्रैपर है, जहाँ कहाँ पे है? दुबई में है, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है ये बिल्डिंग। ठीक है, सो देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, बहुत ही इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप लर्न करो डेफिनेटली आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब रीड करवा देते हैं गार्गी से, काफी देर से गार्गी हैंड रेज कर रही है, देन यास्मीन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड अ रियलिटी? इन रियलिटी, इन बेटा, इन इन रियलिटी, दिस इज नॉट अ, दिस इज इन। ओके, ए ऑप्शन पाइनएप्पल, बी ऑप्शन ऑरेंज, सी ऑप्शन स्ट्रॉबेरी, डी ऑप्शन बनाना। हाँ जी गार्गी, व्हाट इज द राइट? ऑरेंज। कितने साल तक हम कंफ्यूज हो रहे थे कि बनाना एक फ्रूट है, बट नो दिस इज अ हर्ब, सो आर आंसर विल बी बनाना फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्पिता, अर्पिता यू रीड दिस राइट। यस मैम, हु वॉन द अर्जुन अवार्ड 2026 फॉर क्रिकेट? मैम विराट कोहली, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी धोनी। मैम ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे। ठीक है, दिस इज राइट आंसर फॉर 2060, अजिंक्य रहाणे। और देखिए 20 में आपकी लिस्ट जो है काफी लंबी है, सो एक बार इस स्लाइड को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये स्लाइड भी है। ठीक है, सो देखें आज की अब किसको मिला है, 2016 में भी देखो इतने ही मिले होंगे, बट उन्होंने एक आपसे पूछ लिया, सो यहाँ पे इन सारे नेम्स को एक या दोबारा अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ तो आइडिया आपको लग ही जाएगा। चलिए हम क्लास में ही रीड कर लेते हैं, चलिए अर्पिता आप रीड करिए, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुन लो, थोड़ा सा ही कुछ माइंड में याद आ जाता है कि हाँ ये इसका आंसर था। नेम्स नेम्स रीड कर लिए बस, नेम्स रीड कर लीजिए बस। यस मैम, कैटेगरी अर्जुन अवार्ड्स, आर्चरी श्री अतनु दास, एथलेटिक्स मिस दत्तचंद, बैडमिंटन श्री सत्विक साईराज रंकी रेड्डी, रंकी रेड्डी बैडमिंटन श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, बास्केटबॉल श्री विशेष बिरघुवंशी, बॉक्सिंग सुबेदार मनीष कौशिक, बॉक्सिंग मिस लवलीना बोगहन, क्रिकेट श्री ईशान शर्मा, क्रिकेट मिस दीप्ति शर्मा, इक्वेस्ट्रियन श्री स्वंत अजय आनंद, फुटबॉल श्री संदेश जिनगन। ठीक है बच्चा, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, लेट्स सी कि इस बार क्या आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यास्मीन, यास्मीन प्लीज रीड द क्वेश्चन। Yes, ma'am. What is the minimum age? Minimum. Yes, ma'am. What is the minimum age to contest the assembly election? A option 25, B option 21, C option 18, D option 24. Ma'am, answer A 25. अच्छा, now if I ask you कि suppose center में we are having bicameral, as you all know, center में we are having parliament and we are having Lok Sabha and Rajya Sabha. In the state we are having bicameral again. So what is the name of Lok Sabha on state level? Lok Sabha के पे state level पे Lok Sabha पे equivalent कौन सी body है? ये हमने पहले भी discuss किया था। Ma'am Lok Sabha। Lok Sabha no बच्चा, that is legislative assembly। And यहाँ पे क्या है? Legislative council। ध्यान हो तो मैंने आपको 6 states भी find out करने को कहा था, जहाँ पे legislative assembly and legislative councils दोनों हैं। और सारे ही states में bicameral नहीं है। बहुत सी जगह पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा है, स्टेट लाइक राजस्थान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, आई टोल्ड यू कि लोकसभा इसके इक्विवेलेंट है, तो लोकसभा में भी एज 25 है, तो इधर भी डेफिनेटली 25 ही है,
राज्यसभा में क्या है 30 है, तो यहाँ पे भी क्या होगी 30 रहेगी। सो क्वेश्चन देखो इस तरह से ये लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली लोकसभा से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा सा सेंट्रल लेवल पे जो उन्होंने कहा पूछ लिया आपके स्टेट लेवल पे ये क्वेश्चन पूछ लिया है। सो आंसर इज 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए क्या एज है यस्मी, व्हाट इज द एज फॉर राज्यसभा? मैम फॉर राज्यसभा मैम 18 तो किसी के लिए भी नहीं है, वो बस आपके वोट कास्ट करने के लिए एज है। यस साक्षी, यस चिराग, यस अंकुर, 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड एज टू बिकम अ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के लिए एज क्या है? 35। यस चिराग, यस 35 इज द राइट आंसर। मैम 35। तो यास्मीन ये 18 वाला कांसेप्ट कहां से आया बच्चा? 18 एज आपके वोट कास्ट करने के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमनदीप। यस मैम, वो स्लोगन वो जय जवान जय किसान, ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी रोजा दिसारी, ऑप्शन डी राजीव गांधी, ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। ओके फाइन, इफ आई आस्क यू जय जवान जय किसान एंड जय विज्ञान इज द स्लोगन, यहाँ पे सेम ही स्लोगन है मैम, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो मैं आपसे जरूरी नहीं कि यही स्लोगन पूछूं, स्लोगन की मैंने एक पूरा पीडीएफ शेयर किया हुआ है ऑन गूगल क्लासरूम, सो चेक कर लीजिएगा उस स्लोगन को भी एक बार से। ठीक है, हो सकता है मैं आपको कोई बहुत ही फेमस स्लोगन वहां से पूछ लूं किसी और लीडर का। वेयर इज गार्गी? गार्गी स्विच ऑन द कैमरा बच्चा एंड रीड द क्वेश्चन। अच्छे बच्चे कैमरा तो ऑफ नहीं करते। वेयर शीना? चलो रीड द क्वेश्चन बच्चा। Question number 71, at which continent are Maitri and Dakshin Gangotri, Maitri or Dakshin Gangotri? A option Australia, B option Africa, C option Antarctica. Antarctica, the option Europe. Mam Antarctica. Yes, हमारी ये जो दो stations हैं मैत्री दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ पे located हैं? They are located in Antarctica. चलिए जी next question is for साक्षी, then अंशुमान और चिराग से बात करते हैं। अंशुमान का काफी time turn नहीं आया, इसके बाद अंशुमान से बात करते हैं। चलिए साक्षी read this question picture. Question number 72. Which part of the brain that controls our emotions like fear, sorrow, and happiness? Options A. Cerebrum, B. Cerebellum, C. Medulla oblongata, D. Pons. Yes, ma'am. Option number C. Medulla oblongata. Okay. ये question मेरी तरफ से wrong है. Yes, Yasmin. Option चारों ही नहीं है. इसका राइट आंसर इन चारों ऑप्शंस में ही नहीं है। यस, किसी और को पता है क्या राइट आंसर है? यस गार्गी, हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया बेटा क्लास में। यस मैम, क्या है राइट आंसर मैम? बी ऑप्शन सेरेब्रम। नहीं, ऑप्शंस में है ही नहीं। चलो अब देखो ये स्लाइड्स ध्यान से देखो आप, ये जो आप बोल रहे हो सेरेब्रम, चलो अर्पिता रीड दिस स्लाइड, क्या करता है ये सेरेब्रम? लिटिल ब्रेन सेरेब्रम, पॉइंट 1 coordinates movement, point 2 controls posture, balance and fine motor movement, point 3 involved in motor learning. ठीक है, ये आपके मूवमेंट में वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारा ब्रेन और हमारे जो बॉडी है उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, बट इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? जल्दी रीड दिस स्लाइड ऑल्सो, एक्सप्लेनेशन रीड करना, पिक्चर रहने दो। यस अर्पिता रीड दिस। द एमिगडाला is a part of the brain that helps deliver emotional responses such as pleasure and fear. ठीक है, so देखिए ये option तो हमारे इसमें कहीं पे भी नहीं है, so this is the reason कि मैंने इस question को wrong mark कर दिया है, and इसका right answer आपका क्या है? amygdala है, cause ये जो आपका cerebellum है ये तो क्या कर रहा है? body movements को control कर रहा है, emotions को ये control नहीं कर रहा है। चलिए next अंशुमान से reading करवाते हैं। अंशुमान read this question. In which state is the Netravali wildlife
वाइल्ड लाइफ नेस्ट सेंचुरी 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 इज लोकेटेड ऑप्शन ए गोवा ऑप्शन बी केरला ऑप्शन सी मिजोरम ऑप्शन डी ओडिशा मैम ऑप्शन बी केरला केरला एनीवन एल्स जो केरला ना कह के कुछ और कहना चाहे मैम गोवा गोवा इज द राइट आंसर ये देखो मैम गोवा मुझे वहां का बोर्ड मिला है मुझे गोवा पीछे लिखा हुआ है छोटा सा ही गोवा का उसको जूम करके देख लो दिख रहा है गोवा गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यस मैम कितना अच्छा सा बोर्ड बनाया ना इन्होंने गोवा सबसे छोटा कर दिया चलो सो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे कहाँ पे है गोवा में ठीक है प्लास्टिक फ्री जोन है यहाँ पे जाओ तो कुछ कचरा मत फेंक करके आना चलो गार्गी रीड दिस लाइन ओके मैम क्वेश्चन नंबर 74 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज ए ऑप्शन ओडिशा बी ऑप्शन नागालैंड सी ऑप्शन केरला डी ऑप्शन त्रिपुरा मैम सी ऑप्शन केरला अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे टू ऑप्शंस राइट है केरला तो राइट है मैं कहूँ आपसे एक और राइट है नो एक तो आपका केरला राइट है चलो अब आप खुद ही चेक करो और बताओ मुझे कौन से टू आंसर्स इसमें राइट है रीड दिस लाइन ध्यान से देखो केरला ये रहा और एक कहाँ पे नागालैंड अब इस स्लाइड में मैंने आपकी वो सारी स्टेट्स शॉर्टलिस्ट कर दी जहां पे इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ये सारी आपकी स्लाइड्स अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है देखो मेघालय में इंग्लिश है मिजोरम में मिजो भी है इंग्लिश भी है और हिंदी भी है यहाँ पे तीन लैंग्वेजेस हो गई नागालैंड में इंग्लिश है सिक्किम में इंग्लिश है एंड केरला में क्या है मलयालम एंड इंग्लिश और जो यहाँ पे आपके यहाँ पे तो केरला एंड नागालैंड दो ऑप्शन राइट हो गए पता नहीं इस क्वेश्चन का आंसर उन लोगों ने किस तरह से सही करा हुआ आई डोंट नो बट इस ऑप्शन में दो आंसर्स राइट हैं टू आंसर्स आर करेक्ट और ओडिशा एंड त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो ओडिशा की लैंग्वेज क्या है ओडिया है त्रिपुरा की बंगाली एंड कोकबोरो ओके सो ये दो लैंग्वेज त्रिपुरा की है ये लैंग्वेज सॉरी बंगाली एंड कोकबोरो त्रिपुरा की ओडिशा की क्या है उड़िया है सो यहाँ पे स्लाइड में टू आंसर्स हम लोग सही मार्क कर सकते हैं नागालैंड भी एंड केरला भी चलिए लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट किससे रीड करवाए यास्मीन से रीड करवाते चलो यास्मीन रीड दिस स्लाइड्स Yes, ma'am. Who is the Minister of Railways of our country? Option Prakash Singh Badal. B option Piyush Goyal. C option Tarun Gogol. D option Mukul Sangma. Ma'am, answer is B. Piyush Goyal. Okay, now this is right for 2016. 2016 का ये sample paper है. अगर आपका अब ये question आता है, तो आप क्या answer होगा? मैंने आपसे अब कौन है हमारे Railway Minister अभी? पूरा PDF शेयर किया हुआ है बच्चा आपके मिनिस्ट्री इन ऑफिस होल्डर का कभी ओपन करके देखो उसको क्लास में भी हमने करा हुआ है फिर नाउ दैट इज योर होमवर्क आप मुझे कल बताएंगे मेरे पास है आंसर बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू आप लोग खुद सर्च करके मुझे कल बताएंगे जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं लाइक रेलवे में कौन है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स कौन है चार चार मिनिस्टर आप सब लोग चलो चार नहीं दो दो करके आ जाना सर चार चार तो ज्यादा हो जाएंगे जो भी आपको इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट रखते हैं कोई से भी टू एनी टू तो हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे एंड देन कल हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे कॉज टेस्ट आपका बहुत इजी होगा गार्गी ठीक है आपका टेस्ट काफी इजी होने वाला है कॉज सैंपल पेपर से ही है नहीं सैंपल पेपर नहीं है इस बार आपके टॉपिक्स दिए थे मैंने सॉरी सो कल फिर हमारा टेस्ट है सो बेस्ट ऑफ लक 11 दिसंबर की रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लीजिएगा उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा क्वेश्चन आपके उसी में से आएंगे और आल्सो आपको टू मिनिस्टर्स लर्न करके आने हैं कोई भी टू इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी आपको लगता है आप अपने मम्मा से पापा से पूछ लीजिएगा कि जो टू इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स कौन से हो सकते हैं वो आपको बता देंगे कोई से भी एनी टू आप करके आइएगा ठीक है चलिए नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग बाय ऑल ऑफ यू कुछ बच्चे मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं नहीं आसाम वासाम के नहीं नेशनल लेवल पे हमें नेशनल लेवल पे करना है इंडिया के ठीक है स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स मत करना बच्चों सेंट्रल लेवल के हमें करना है So now I'm going to end this meeting. Bye all of you. Take care and see you in the next class. Best of luck for your test. Bye Gargi. Bye Sakshi. Bye Yasmin. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप